नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 20। बात करते हैं झारखंड की खास खबर। झारखंड के निरसा ब्लॉक में धरना दिनांक 27 फरवरी 2020 एनसीसी एजरकुंड प्रखंड मुगमा धनबाद बैनर तले अंचल अधिकारी के खिलाफ एक दिन का धरना किया। तापस नाग सचिव एनसीसी एजरकुंड का कहना है, निरसा क्षेत्र में भूमाफियाओं का मनोबल चरम पर है। इसमें अंचल कार्यालय भी कहीं ना कहीं सम्मिलित है। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में कुछ निम्न मांग ब्लॉक में किया गया अंचल अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। प्रशासन और भूमाफिया की मिलीभगत है, जिसमें भूमाफिया द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। धरना की अध्यक्षता मनोज रावत द्वारा की जा रही है। संचालक बदल चंद्र बावरी, अवतार अंसारी, पीएल मुर्मू, मणिशंकर सिंह, टोटल मुखर्जी, संतु चटर्जी, किसना रजक, प्रदीप दास, आशा कर्मकार और बहुत सारे एमसीसी के कार्यकर्ता मौजूद थे। मुगमा से मलय गोप की रिपोर्ट। कार्यालय के सामने धरना पर बैठे हैं। इस समय एक समय निरसा में कोयला माफिया लोग पनपता था, अब भू माफिया लोग पनपने लगा है। ऐसा है, बहुत सा जमीन को कब्जा कर लिया गया है, जिसमें भू माफिया लोग के साथ कहीं ना कहीं अंचल कार्यालय का भी साठगांठ है। हम लोग एक माइथन कमलपुर निवासी हरादन महतो है, जो कि 6 साल से लकवा मारा हुआ है। उसका 5 बीघा का जमीन कोई साना के विमलेंद्र चौधरी रजिस्ट्री करा लिया हराधन माता का फर्जी वोटर कार्ड एवं फर्जी आदमी को खड़ा करके, जबकि हराधन माता का आज तक वोटर कार्ड बना ही नहीं। इसी तरह माइथन संजय गांधी चौक में आदिवासियों का इंदिरा आवास टूटा तथा दुकानदारों का जो दुकान टूटा है उसके लिए मुआवजा जो देना था, मुआवजा देने का चुनाव के पहले एक सूची जारी हुआ था, जिसमें डीएलओ सीओ सब गए थे, वो लोग अपने फोटो उठा के सूची बनाए थे। लेकिन अब चुनाव के बाद देख रहे एक नया सूची बना है, जिसमें 17 आदमी का एक फर्जी सूची बनाया गया, जहां पंचित का लोग का भी नाम है। लेकिन सीओ साहब का कहना है कि नहीं, यही सूची में हम मुआवजा पेमेंट करेंगे। हम लोग इसका विरोध करते हैं। उस 17 सूची में केवल 4 वहाँ का ओरिजिनल आदमी है, बाकी सब फर्जी है। इसी तरह से एक लायकडी मऊजा में भी एक जमीन कब्जा किया जा रहा है। सीओ साहब हम लोग को बता रही है पर्सनल मैटर है, जमीन हड़पना अगर पर्सनल मैटर रहा तो आप यहाँ काहे बैठे हैं? आप अगर सब कुछ में धनबाद का डीएलओ और दूसरे किसी को दिखा रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग आप काहे बैठे हैं यहाँ पर? आपको भी यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, आपको जानकारी दे देना चाहिए। जमीन संबंधी कुछ बात हम नहीं शिकायत सुनेंगे, हम ऐसे बैठे रहेंगे। धन्यवाद। कोई भी अगर आप लोग शिकायत कर रहे हैं तो क्या बात, उसका रिपोर्ट बोल रहा है सीओ साहब? बोल रहा है मुख्यमंत्री से शिकायत कीजिए। क्या हम लोग यहाँ से मुख्यमंत्री का उठ जाएंगे? लेकिन हमारा लड़ाई जारी रहेगा, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग मुख्यमंत्री का साथ भी जाएंगे। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे, हम उनका जनसंवाद में ये दिए थे, लिखित रूप से दिए थे। वो तुरंत आधा घंटा का भीतर उनका ऑफिसर हमको फ़ोन किए थे एवं बातचीत किए। इसके बाद धनबाद का नोडल ऑफिसर जो है उनको दिया था जांच का लिए, लेकिन दुख का बात है कि नोडल ऑफिसर जिसके बारे में हम लोग आरोप लगाए हैं उसी को जांच के लिए सौंपे हैं।